ग्वालियर में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। मृतक की उम्र 80 वर्ष बताई जा रही है और वो डबरा का रहने वाला है। कोरोना को लेकर ग्वालियर से चिंताजनक खबर आई है। कोरोना मामले बढ़ने के साथ एक व्यक्ति की मौत हो गई है। डबरा तहसील के रहने वाले मृतक गंगाराम की उम्र 80 साल बताई जा रही है। इस व्यक्ति का 9 तारीख को सैंपल लिया गया था और उसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसकी पुष्टि ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने की। ग्वालियर में कोरोना के चलते पहली मौत हुई है। आज ग्वालियर में 80 साल के बुजुर्ग डबरा के जो निवासी थे, उनकी डेथ हो गई है। उनको पहले से हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ और शुगर इस प्रकार से बीमारियां थी, और साथ में उन्हें कोरोना का संक्रमण भी पाया गया है। तो वो 9 तारीख को शाम को हमारे जीएच में भर्ती हुए थे और उसके बाद अगले ही दिन उनकी डेथ हो गई थी। और बाद में आज उनकी कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो हम एरिया को कंटेनमेंट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, और उनको संक्रमण जहां से भी सोर्स है, चाहे उनका जहां भी बाहर हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था वहां भी बात कर रहे हैं। तो उस एरिया को जो है कंटेनमेंट करके सील्ड किया जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।